बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा कल से शुरू है। 27 से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। अब ये परीक्षाएं लगातार आपकी 11 तारीख तक चलती रहेंगी। कल जब बीए के विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए कुछ हम अपने आप से बता दे रहे हैं कि वो क्या क्या करें कि जिससे आपकी परीक्षा और बेहतर हो सके। पहली बात तो यह कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। एडमिट कार्ड में आपका डिपार्टमेंट मेंशन होगा जहां आपकी परीक्षाएं होनी है, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे वो कैंपस के हों। कैंपस वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एक साथ हो रही हैं सुबह, तो बहुत सारे लोगों को लॉ फैकल्टी भी भेज दिया गया है, बहुत सारे लोगों का परीक्षा अलग अलग जगह पे, तो पहले उसको देखिएगा। 7 बजे से आपकी परीक्षाएँ शुरू हैं। 7 बजे से परीक्षाएँ शुरू होने का मतलब यह है 7 बजे से आप कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो इंट्री आपकी 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे से आप इंट्री स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे। तो अमूमन आप 6:20-6:25 तक आप जा सकते हैं और आराम से आप इंट्री करिए। उसके बाद 6:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका मिलेगा। कॉपी आएगी, कॉपी में अच्छे से फिलअप करिएगा, नाम वाम कहीं मत लिखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से भरिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएंगे। जो सवाल रहेंगे आपके, ये बहुत एक तरीके से सवाल तो आपको पहले से प्रेडिक्ट होंगे। 18-19 का अनसॉल्व अगर आप बीए में कवर कर लेते हैं, देखिए बीएससी बीकॉम का गुंजाइश है कि ना भिड़े, लेकिन बीए का ऐसा हो ही नहीं सकता कि भिड़े ही ना। न्यूमेरिकल छप के तो आ नहीं जाएगा, लेकिन थ्योरी जहाँ तक बात है कि वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी का 3 टाइप होता है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक बार समबाहु पूछ लिया, एक बार विषमबाहु पूछ लिया, तीसरी बार समद्विबाहु पूछेगा ही पूछेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बीए में ऐसा है कि उससे ज़्यादा सवाल ही नहीं है। 18-19 मिला देंगे तो सारा का सारा सवाल आपका आ जाएगा। डरना नहीं है, ब्लैक ब्लू पेन लेके जाना है, अच्छे से खूब लिखना है। और हाँ, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, अगर आप उस पोटेंशियल को सेंटर्ड होके एक जगह कंसंट्रेट करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। मैं डराता नहीं हूँ, मैं बस आपको एक आगाह करता हूँ। ये भी इस प्रयागराज की शहर में आपके विषय में सोचने वाला कोई नहीं है। आप पढ़ें चाहे आप बाहर में जाएं, कोई किसी से मतलब नहीं है। ये तो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तब मैं आपको समझाता रहता हूँ। जहाँ तक रही बात गेस्ट पेपर की, तो गेस्ट पेपर अभी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी हुआ और डिफेंस हुआ, तो इन सब का गेस्ट पेपर तो नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी के पेपर से मैं गेस्ट पेपर देना स्टार्ट करूँगा। जो पेपर 2 तारीख को है उसका गेस्ट पेपर मैं 31 तक कर दूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए। गेस्ट पेपर छोटे सब्जेक्ट्स का नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े सब्जेक्ट्स का मिलता रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, इन सब का गेस्ट पेपर दे नहीं सकता मैं। उसके बाद मैं साइकोलॉजी उधर सेकेंड ईयर का भी मैं स्टार्ट करूँगा देना। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज करिए। अपने आप को कहीं से भी अकेला महसूस न करिए, परेशान मत होइए। पहले तो आप अच्छा करेंगे, टॉप करने का सोचेंगे, तब आपका बेहतर नंबर आएगा। आम वाम देखिए, अच्छा लग रहा है, खावा के जाइएगा मीठा मीठा। सुबह कुछ मत खाइए, वरना आप एग्जामिनेशन हॉल में ही आपकी हालत ख़राब होने लगेगी। पढ़िए अच्छे से, खूब बेहतर करिए। उम्मीद यही है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने पेपर में और आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। हिम्मत मत हारिएगा, डर के आगे जीत है आम कलमी वाला। धन्यवाद।